आईपीएल 2023 का होगा ऑक्शन, किन विदेशी खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर, ये खिलाड़ी तोड़ सकते हैं कमाई के सारे रिकॉर्ड। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन की तैयारी हो चुकी है। शुक्रवार 23 दिसंबर को कोची में आईपीएल के मिनी ऑक्शन को किया जाएगा। आपको बता दें कि नीलामी के लिए 991 क्रिकेटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अभी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो खिलाड़ी हैं केवल 405। इसके अलावा सभी 10 टीमें इन पर बोली लगाती हुई नजर आएंगी। ऑक्शन की बात करें तो कोची में 23 दिसंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से ऑक्शन शुरू हो जाएगी। नीलामी में अगर 405 खिलाड़ियों की लिस्ट में देखें तो कई बड़े खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जिसमें 273 इंडियन प्लेयर्स हैं और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसमें मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, जो रूट, केन विलियमसन, शकीब अल हसन, बेन स्टोक्स, ईशांत शर्मा, सैम करन, लिटन दास जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन इन सभी के बीच जिन 5 खिलाड़ियों पर सभी टीमों की नज़रें रहने वाली हैं उन पर आज नज़र डालेंगे। इसके अलावा ये खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं, यानी कि कमाई के सभी रिकॉर्ड्स को ये खिलाड़ी तोड़ सकते हैं और इनके हालिया प्रदर्शन के चलते इन पर टीम बोलियां लगाती हुई नज़र आ सकती है। सबसे पहले जो खिलाड़ी होंगे वो होंगे इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं। बेन स्टोक्स की बात करें तो ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देते हैं और इन पर सभी टीमें दाव लगाती हुई नज़र आ सकती हैं और यह नीलामी में कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। स्टोक्स की हालिया प्रदर्शन की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बेन स्टोक्स ने 52 रन की पारी खेली थी और उन्हीं की इस पारी के बदौलत टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया। बेन स्टोक्स का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये है और इन पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 23 साल के युवा और ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन पर भी सभी की नज़रें रहने वाली हैं। कैमरून ग्रीन की बात करें तो हाल ही में जब से वह टीम में शामिल हुए हैं लगातार रन बना रहे हैं और अपने ऑलराउंडर खेल के चलते टीम को कई बार मजबूती दे चुके हैं। ग्रीन के अब तक के इंटरनेशनल रिकॉर्ड की नज़र डालें तो उन्होंने 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले खेले हैं, लेकिन 8 मुकाबलों में उनके नाम 250 हैं और उन्होंने कुल 139 रन बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी ग्रीन ने 8 मुकाबलों में 5 विकेट चटकाए हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है और उनके हालिया प्रदर्शन के चलते उन्हें भी आईपीएल की सभी टीमें अपनी टीम में शामिल करने के लिए उत्साहित दिख सकती हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व साथी खिलाड़ी और इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन पर भी सभी की नज़रें रहने वाली हैं। सैम करन की बात करें तो वह CSK की टीम में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। ऐसे में अब उन्हें नई टीम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। सैम करन की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी से 3 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा अब तक वे आईपीएल के 32 मुकाबले भी खेल चुके हैं, जहां उनके नाम 337 रन और 32 विकेट हैं। बेस प्राइस की बात करें तो सैम करन का बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये है। एक अन्य खिलाड़ी जिन पर सभी टीमों की नज़रें रहने वाली हैं वो हैं इंग्लैंड टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक की बात करें तो वह भी आईपीएल में धमाल मचा सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने अपने बल्ले से धमाल मचाया और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पर 468 रन जड़ दिए। बात करें अगर हैरी ब्रुक की तो इस दौरान उन्होंने लगातार 3 मुकाबलों में शतक लगाया और 150 भी उनकी इस सीरीज़ पर शामिल रही। ब्रुक की औसत की बात करें तो उनका औसत 93.60 का रहा। इसके अलावा अगर आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। वहीं एक भारतीय खिलाड़ी भी होगा जिस पर सभी की नज़रें रह सकती हैं और वह भी सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। वो हैं महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व साथी खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम से खेल चुके नारायण जगदीशन। नारायण जगदीशन की बात करें तो हाल ही में खत्म हुई विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज़्यादा 830 रन बनाए। जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक जड़े, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। इसके अलावा उन्होंने इस फॉर्मेट में एक मैच में 227 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जो कि डबल सेंचुरी के तहत एक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि CSK की टीम ही उन्हें अपनी टीम में वापस बुलाना चाहेगी और उन पर बोली लगाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के मिनी ऑक्शन पर सबसे महंगे बिक सकते हैं और इन पर सभी टीमें अपना दाव लगा सकती हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि नीलामी
के दिन यानी कि 23 दिसंबर को कोची में किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा बोली लगाती हुई सभी टीमें नजर आएंगी और कौन सा खिलाड़ी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपकी जो कुछ राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।